नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ग तीन की फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइनिंग ना लेने पर खाली बचे पदों का क्या होगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें जो जानकारी देंगे वह किस कारण की देंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो वर्ग की तीन की फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइनिंग ना लेने पर खाली बचे पदों को सेकंड काउंसलिंग में या तो ऐड कर दिया जाएगा या उन पदों से वेटिंग क्लियर की जाएगी। वैसे अधिकतम चांस है कि वह सभी पद सेकंड काउंसलिंग में ऐड कर दिए जाएंगे। अब मन में एक प्रश्न और उठता है कि कहीं इन पदों को खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो में ईडब्ल्यूएस के पद थे वह खत्म कर दिए गए थे। तो यह प्रश्न भी मन में चल रहा है कि कहीं इन पदों को भी खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, वर्ग एक और वर्ग दो के जो ईडब्ल्यूएस के पद खाली कर दिए खत्म कर दिए गए थे उस समय चुनाव नहीं था, और इस समय वर्ग तीन की जो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसके तुरंत बाद वर्तमान सरकार के सिर पर चुनाव खड़ा है, और चुनाव बहुत कुछ करवा देता है, क्योंकि कोई भी सरकार जो लंबे समय से सरकार में बैठी हुई है वह विपक्ष में बैठना नहीं चाहेगी, इसलिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसकी वोट बैंक पर कठोर प्रहार पड़े। इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, या तो वह सभी पद सेकंड काउंसलिंग में ऐड कर दिए जाएंगे या उनसे वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी। वैसे मैक्सिमम चांस है सेकंड काउंसलिंग में ऐड होने की। नमस्कार।